देश के ज्यादातर शहरों में बंदरों की धमाचौकड़ी कोई नई बात नहीं है। बंदर लोगों को इतना परेशान करते हैं कि मकान बनाते समय पूरे घर को बंद कराने के चक्कर में लोहे की जालियां और फ्रेमों का प्रयोग किया जाता है, जिससे लाखों रुपए की अतिरिक्त लागत आती है। इतना ही नहीं, टीवी का एंटीना, पानी की टंकी और सोलर पैनल जैसी चीजों को तो खुले में ही रहना होता है। ऐसे में बंदर अक्सर इन चीजों को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो खुद ब खुद बंदरों को भगा देगी। जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी में बंदरों को भगाने के लिए तीन तरीके अपनाए जाते हैं जिन्हें से बंदरों पर प्रयोग किया जाता है। यह तकनीक पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें लगे हुए सेंसर बंदरों को देखते ही एक्टिव हो जाते हैं और जैसे ही बंदर चले जाते हैं यह सिस्टम बंद हो जाता है। नमस्कार, सोलोलॉजी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ सोलर और तकनीक से जुड़ी नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, बंदर भगाने की इस तकनीक में जो तीन तरीके प्रयोग किए गए हैं उनमें सबसे पहला है गोली की आवाज। इस तरीके में जैसे ही बंदर आते हैं वैसे ही छत पर लगा हुआ सेंसर एक्टिव हो जाता है और सिस्टम में लगे स्पीकर से बंदूक की गोली की तेज आवाज आने लगती है। इस आवाज को सुनते ही बंदर भाग खड़े होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंदर इस आवाज के अभ्यस्त होने के बाद इससे नहीं भागते। इसके लिए सिस्टम में दूसरा तरीका अपनाया गया है। यदि बंदर गोली की आवाज से नहीं भागते तो तुरंत ही दूसरा सेंसर एक्टिव होगा जो दुर्गंध वाला स्प्रे करता है। इस तरीके में सेंसर से संदेश मिलते ही दुर्गंध युक्त स्प्रे वहां फैलना शुरू हो जाएगा। इस स्प्रे की दुर्गंध कुछ इस तरह तैयार की गई है कि इसे बंदर सहन नहीं कर पाते और तत्काल वहां से भाग जाते हैं। बंदरों के भागते ही सेंसर स्प्रे को बंद कर देता है। इसके बाद इस सिस्टम में एक और तरीका भी लगाया गया है। यदि इन दोनों प्रयोगों के बाद भी बंदर नहीं भागते तो तीसरा सेंसर एक्टिव होता है जो पानी के जेट को अलर्ट जारी करता है। सेंसर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट का कमांड मिलते ही वह तेज पानी की बौछार शुरू कर देता है। इससे बंदर व अन्य जीव डर कर भाग जाते हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल यूनिट को जैसे ही पता चलता है, यानी उसका सेंसर यह जानकारी प्राप्त करता है कि बंदर भाग गए हैं, वैसे ही वह खुद ब खुद बंद हो जाता है। इस विशेष तकनीक को विकसित किया है मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT के इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर क्षितिज सिंघल और सहायक प्रवक्ता डॉक्टर अमित सक्सेना ने। प्रोफेसर क्षितिज और डॉक्टर अमित ने मीडिया को बताया कि उनके शोध में 6 महीने का समय लगा है और महज 5,000 रुपए का खर्च आया है। इस तकनीक के पेटेंट के लिए आवेदन किया गया है। पेटेंट के बाद IIT दिल्ली की ओर से अधिकृत एजेंसी आएगी और शोध को देखने के बाद प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके बाद ही किसी कंपनी से उपकरण तैयार करने में मध्यस्थता निभाई जाएगी। जैसे ही IIT की टीम की ओर से हरी झंडी मिलेगी वैसे ही उस उपकरण को बाजार में उतारने के लिए व्यावसायिक रूप से निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।